रात की क्लास चल रहा था 5/4/1967 पहले पेज के अंत में बात चल रही थी यहां जो पुरुषार्थ करते हो वो व्यर्थ नहीं जाता है। रावण राज्य में सब व्यर्थ जाता है। और यहां इस समय यदि तुम कदम उठाते हो तो जितना जो फिर पुरुषार्थ जास्ती करेगा ये कोई व्यर्थ जाएगा क्या? ना, प्रारब्ध ही प्रारब्ध बनेगी और एक जन्म की नहीं अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनेगी। तो तुम जो प्रदर्शनी में सर्विस करते हो अपना प्रारब्ध बनाया ना, पहले पहले ये बात बाप ने समझाई दी है जो भगत हो गए ना उनको भी समझाना पड़े। पूछो अभी भगत कैसे हो तो पूछना पड़ता है। दूसरा भी उनको ये समझा करके कि भाई इनको कभी याद करते हो तो वो भी पूछने से मालूम पड़ जाएगा कि ये भगत है। अच्छा, जिनकी भक्ति करते हो इनको कब से जानते हो? इनको कोई और भी भक्ति करते हैं इसकी भक्ति करते हो ना, अच्छा कोई से भी पूछ सकते हो तुम भक्ति करते हो क्योंकि बच्चे तो ये बात जानते हैं कि जो भी भक्ति करते हैं वो दुर्गति को पाते हैं। तो पूछ लेने से कि भगत किसकी भक्ति करते हो जो दुर्गति को पाते जाते हो ये भी तो पूछ सकते हो ना। क्योंकि इस समय में तुम बच्चों नहीं जाना है, सिर्फ तुम जानते हो कि भक्तों को भगवान आया है। इसलिए आया है भक्ति का फल देने के लिए और भक्ति का फल देने के लिए भी यहां आया है। यहां मैंने कहा
भारत में आया है, क्योंकि दुनिया में विदेशों के लोग तो इतने भक्त बनते नहीं है, भारत के लोग ही भक्ति भक्त बनते हैं जास्ती। जितने भक्त यहाँ भारत में होते हैं उतने और कोई भी नेशनलिटी में नहीं होते। इतने भारतवासी भगत बनते हैं, इसका कारण क्या है? भारत में ही इतने भगत क्यों होते हैं? क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर भागते रहते हैं। जिसने तो सुनाया भागना शुरू, अनेकों की सुनी सुनाई बातों पर कभी इधर कभी उधर भक्ति करने के लिए बुद्धि भागती रहती है। अब इनको सीढ़ी तो उतरनी ही है, चढ़ने की तो बात ही नहीं, और सीढ़ी उतरने में भी इनको समय लगता है। देखो तो सही, ये भारतवासी लोग भक्ति भी बहुत करते हैं, ये तो समझते हो बच्चे कि विदेशी लोग कोई आधा कल्प इतनी भक्ति थोड़ी करते हैं। कोई भी इतना भक्त कर भक्ति करता होगा? कोई भी नहीं। भले भक्त तो बहुत हैं, विदेशों में दूसरे दूसरे धर्मों में भी भक्त तो बहुत हैं, सभी धर्मों में भक्त हैं, परंतु इतना कभी ने कोई ने कभी कोई ने सुना? किसको मालूम है कि भक्ति कब से शुरू होती है? ये तो कोई को नहीं मालूम। अच्छा, अच्छा ये बताते हैं कि भला चलो स्वर्ग इस समय का है, कोई कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं इस समय का है। अब इस हिसाब से तो वो बेचारा कह ही नहीं सकता कि भक्ति कब से शुरू होती है, और यहां तो हिसाब है ना पूरा, कब से भक्ति किया? आधा कल्प भक्ति किया, आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध, ज्ञान का सार है स्वस्थिति, और स्वस्थिति से स्वर्ग कितना? आधा कल। तो
आधा कल्प स्वर्ग में देवता बन कर रहे हैं, भक्ति में भटकने की बात ही नहीं, तो वो भक्त लोग अगर आधा कल्प भी भक्ति का कहें तो वो सतयुग को देंगे कितने लाखों बरस, फिर त्रेता को दूसरे लाखों वर्ष, द्वापर को तीसरे लाखों, कलयुग तो 40,000 वर्ष कह देते हैं। तो भक्ति कब से शुरू हुई? ये तो कोई को अर्थ पता नहीं है, एकदम मुझे हुए हैं। जैसे ज्ञान का सारा सूत मुझे हुआ है, जब सूत ही बहुत मुझे हुआ हो जाता है तो फिर सूत को तोड़ना पड़ता है ना? अनेक धर्मों का, अनेक प्रकार का ज्ञान सारा उलझ गया तो फिर क्या करना पड़े? सब धर्मों के ज्ञान का खंडन करना पड़े, तोड़ना पड़े। क्योंकि कभी कोई की ताकत नहीं होती जो उनको समझा सके। इसके ऊपर भी ये कहें गिरधर कविराय, ये ज्ञान का सूत बहुत मुझा हुआ है, तो इस सूत को बाप के बिगड़ कोई सुलझाए नहीं सकता, समझाए नहीं सकता। तो ये सूत मुझा हुआ है ना, इनका ये क्या हो रहा है बिचारे, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये फैमिन, और स्वर्ग में तो ये भला सब कुछ कुछ नहीं। ये लड़ाई झगड़ा फैमिन इनकी भी समझ कुछ नहीं, ये क्यों होते हैं, क्यों मरते जाते हैं, तो बरोबर कोई भी नहीं समझ सकते। तो बाबा आकर के अच्छी तरह से इन अनेक प्रकार के धर्मों के द्वारा चलाए गए ज्ञान के सूत को तोड़ के और तुमको तोड़ तोड़ करके समझाते हैं। अच्छी तरह से सब समझाते हैं कि उनको तोड़ना क्यों जरूरी है। सो तो जो बच्चे समझेंगे वो ही दूसरों को समझा सकेंगे। अभी जितना जो बच्चे समझे वो ही समझा सके, तो ये भी अनेक देह के धर्मों को खंडन करने की युक्तियां हैं।
इसको समझाने की अच्छी युक्ति होती है तो दृढ़ समझाए रहते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं, जिनको युक्ति नहीं है, वो नहीं समझा सकते। तो मत्था तो ये मारते हो जैसे, क्योंकि ये तो समझते हो कि बरोबर बाबा कहते हैं ना, कि दिन में जो सुनते हो रात में समझो, ये जो कुछ भी सारी दुनिया आज दिन में ये जो चली, ये सारा ड्रामा अनुसार ही चली है। अभी सो भी सभी जानते हैं, हम जानते हैं ना कि अभी जो कुछ भी हुआ है कोई ड्रामा के प्लान के अनुसार हुआ, क्योंकि बच्चों को ये भी तो अच्छी तरह से मालूम है ना कि ड्रामा में जो कुछ भी चलता है ड्रामा के प्लान अनुसार, ये हम सब जानते हैं। और हम पुरुषार्थ भी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार, ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी कहते हैं कि ड्रामे में जब होता है तब ही मैं आता हूं और आकर के तुमको पुरुषार्थ कराता हूं। क्या कराता हूं, किसके लिए कराता हूं, देह की प्राप्ति अर्थ नहीं कराता हूं, पुरुषार्थ कराता हूं, पुरुष माने आत्मा के अर्थ कराता हूं। देह का कनेक्शन तो एक जन्म से है और आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है, तो पुरुषार्थ करो। तुम कहेंगे कि नहीं, कि ड्रामा के बस में जो हमारा पुरुषार्थ होगा सो होगा, तो बोलो नहीं नहीं, ये कायदा नहीं है। तुमको मैं राय देता हूं, जो मैं राय देता हूं उस पर चलना पड़े, क्योंकि ड्रामा अनुसार तो होता है, परंतु ड्रामा के आगे क्या है, ड्रामा के आगे मत भी तो खड़ी है ना, श्रीमत। जो ड्रामा कोई भी बदल देती है तो मेरी मत पर चलो, ड्रामा ड्रामा ना करते रहो। ड्रामा है पास्ट में जो हुआ सो क्या, पास्ट में जो हुआ सो ड्रामा, बाकी भविष्य के लिए ड्रामा अप्लाई नहीं करना। मैं जैसे मत देता हूं वैसे चलो। तो अभी बाबा मत किसके लिए देते हैं और किसके लिए कहते हैं, कल्याण के लिए कहते हैं ना, परिवार के लिए कहते हैं,
एक ही मत देते हैं, दूसरी मत नहीं। बाप देते हैं पतित से पावन बनने की मत, बाप के अलावा और जो भी अपनी मत देते हैं वो कोई पावन बनने की मत नहीं देते। शिव बाबा तो वो ही मत देते हैं कल्याणकारी, कल्याण के सिवाय कोई दूसरी मत तो नहीं देंगे ना। उनका काम ही है कल्याण की मत देना, तो काम के आधार पर नाम क्या है? शिव नाम है ना, शिव बाबा। वो तो ये मत, ये धंधे भरी फलाने आदि की मत नहीं देंगे ना। ये धंधे धोरी फलाना आरे करने की मत जो देते हैं किस लिए देते हैं? धंधा धोरी किस लिए किए जाते हैं? देह का भरण पोषण करने के लिए, पेट भरने के लिए। पेट भरेंगे तो देह और देह की इंद्रियों का भरण पोषण होगा, इंद्रियों के भोग की पूर्ति होगी, इंद्रियों में भी प्रबल इंद्रिय कौन सी है? जैसे आग में जितनी ही घी की आहुति डालो उसकी पूर्ति होगी क्या? और मांगेगी? ऐसे ही ये प्रबल इंद्रिय है काम इंद्रिय, इसके भोग की पूर्ति के लिए ये देह के धंधे करने पड़ते हैं। और उसके पीछे सारे धंधे लगे हुए, इसीलिए तो मनुष्य गुरुओं ने भी गीता में लिखा है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प भजिता। काम विकार के संकल्प से जिसके सारे धंधे धोरी वर्जित हैं, निषिद्ध हैं, वो योगी है और बाकी सब भोगी। तो शिव बाबा को तो कोई धंधा नहीं, पेट का धंधा है नहीं, बाकी लोग तो ये धंधा करूं वो धंधा करूं, क्योंकि पूछना किससे है? पहले तो उनसे पूछते हैं ना, किनसे है? बाबा से पूछते हैं ना, बाबा ये काम करूं
ये धंधा करूं तो वो फट से बोल देते हैं क्या सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। मैं तो आया हूं तुमको श्रीमत देने के लिए। श्रेष्ठ दुनिया जिसे स्वर्ग कहा जाता है वहां तो कोई धंधे दोरी नहीं होते। सारी पूर्ति प्रकृति करती है तुम्हारी दासी बन करके। तो मैं तुमको थोड़ी कहने आया हूं ये चार दीवारी वाले मकान बनाओ उनमें पर्दे लगाओ फलाना फलाना करो ऐसे करो। मकानों में छुप कर रहने के लिए स्वर्ग में जरूरत है क्यों? क्योंकि वहां तो नगन होते ही नहीं। काम भी कार्य नहीं काम इंद्रियों का तो स्वर्ग की दुनिया में रहने के लिए ये श्रीमत देते हैं। दे सकेंगे देना होगा तो देंगे। मैं ये धंधे धोरी की मतें नहीं दूंगा। पेट का धंधा इंद्रियों के भोगों का कर्म इंद्रियों के भोगों का पूर्ति का धंधा करने की मत नहीं दूंगा। ये काम इनका है इनका है ये काम इनका है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शंकर के गले में कौन लिपटा हुआ है? सर्प लिपटा हुआ। मेरे को तो तुम बुलाया है सिर्फ कि पतित को पावन बनने की मत दो। सो मैं तुमको भिन्न भिन्न प्रकार की मत देता रहता हूं जिससे तुम पति से पावन बनो। माना ये कौन सी मत देते हैं है? मैं पति से पावन बनने की मत देता हूं और ये दुनियावी धंधा धोरी की मत दे करके क्या करते पावन देवता से पतित बनाने की मत देते हैं। ये कौन है क्या नाम है इनका? ब्रह्मा। सेव निर्विकारी देवता है या विकारी मनुष्य है? विकारी मनुष्य होगा तो विकारों की मत देगा और मैं तो व्यवहार प्यार हूं है।
एवर प्योरिटी का प्रूफ परमधाम में मिलता है या इस संसार में मिलेगा? तो मैं तुमको पति से पावन बनने की अनेक प्रकार की मत देता रहता हूं, है ना? इसके लिए इस मत देने के लिए तुमको उनसे पूछने की दरकार नहीं है। ये उनका काम नहीं है। इनका ये उनका काम नहीं है। इनका है जो भविष्य में तीन मूर्तियों में से शिव की तीन मूर्तियां है ना, तीन मूर्तियों में से भविष्य में खुलने वाला पार्ट है। क्या पार्ट? तीन मूर्तियां माने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो क्या पार्ट खुलने वाला है उनका? है शंकर। तो ये उनका काम नहीं है। क्या पति से पावन बनने की मत देना? क्यों? उनका काम क्या है? वो बड़े के बड़ा काम कौन क्या करते हैं जो दुनिया में कोई नहीं करते? सागर मंथन हुआ, हर साल भाग खड़े हुए देवता राक्षस, किस बात से भाग खड़े हुए? जो हाला हाला विषय निकला सागर मंथन से, तो सब चौकड़ी भर के भाग गए, हाहाकार हो गया। तो उनका काम यही है क्या? विषय विकार पीना। ये पति से पावन बनने की मत देना उनका काम नहीं है। उनका माने किन का? एक है या ज्यादा है? है उनमें कौन प्रवेश है? कहते हैं वासुकी नाम, वो भी है। तो बाप कहते हैं कि मेरा कोई ये काम नहीं है। क्या? विष पीना। मेरा काम क्या है? पतित से पावन बनने की ये मत देना मेरा काम है, क्योंकि मैं दुआ करता हूं। अबोकता हूं अगर ये विष पीने की मत दे हैं, तो ये तो घर सभी पूछने लगेंगे कि बाबा मैं भी ये धंधा करूं, ये करूं, ऐसे करूं। ये तो सब माथा ही खराब कर देंगे। नहीं,
इसलिए बाबा कहते हैं तुम लोग समझ नहीं सकते हैं। ये समझ ही नहीं सकते हैं कि ये किसने बोला। और ये किसने बोला क्या? एक व्यक्तित्व में तीन तीन है ना, तो तुम समझ ही नहीं सकते हैं ये पति से पावर मनने की ये मत किसने दी और पावन से पति को बनने की ये मत किसने दी। पांच चार सड़सठ की वाणी का तीसरा पेज। तभी बाप कहते हैं भाई मैं जो तुमको आया हूं मत देने के लिए, पतित से पावन बनाने की मत देने के लिए आया हूं। समझा ना? इसलिए आया हूं। मैं पावन बनने आया हूं या पतित बनने आया हूं या पतित से पावन बनने की मत देने के लिए आया हूं? मत देने के लिए आया हूं। बाकी मकान बनाना करना ये तुमको अपने दादा से लो क्या? अपने बाप मनुष्य सृष्टि के बाप से नहीं, किससे लो? बाप का इस मनुष्य सृष्टि में जो बड़ा बच्चा है सोलह कला संपूर्ण उससे लो। जो पहले जन्म से ही ये परंपरा शुरू कर देता है, जिसकी परंपरा पर सारी मनुष्य सृष्टि के मनुष्य मात्र चलते हैं। क्या परंपरा शुरू कर देता है? पहले जन्म से ही ये दादा ये मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता बीज रूप बाप का पहला पत्ता क्या परंपरा शुरू कर देता है? के इंद्रियों के सुख भोगते भोगते सीढ़ी नीचे उतरते रहो। मैं जो मेरा धर्म जो है वो मेरा धर्म है ही तुमको पति से पावन बनाने का काम। क्या कैसे बनाता हूं? पतित से पावन कैसे बनते हैं और पावन से पतित कैसे बनते हैं पता है? अनेकों के संग के रंग से पतित बनते हैं तेजी से और आपस में एक एक के संग के रंग से धीमी गति से पतित बनते। माना
जब द्वैतवादी द्वापर युग की दुनिया शुरू होती है तो अनेकों के संग के रंग से व्यभिचारी संग से तेजी से पतित बनते हैं और अद्वैतवादी देवताओं की दुनिया में एक नारी सदा ब्रह्मचारी तो भी नीचे गिरते हैं पतित बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। तो ये जादूगरी मेरी है क्या? क्या जादूगरी कि मैं तुमको एक ही जन्म में पतित से पावन बना देता हूं। तुम 84 जन्मों के चक्र में पावन से क्या बनते? पतित बनते हो। कितना लंबा टाइम लगा और मैं तुमको एक ही जन्म में पतित से पावन दुनिया में जाने लायक बना देता हूं, नहीं तो पार्कों में बच्चों की सीढ़ी होती है ना, है उसमें चढ़ते हैं तो मेहनत लगती है और उतरते हैं फटाक से नीचे उतर जाते हैं। तो मेरी ये जादूगरी कि मैं तुमको सहज 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 राजयोग से एक ही जन्म में पति से पावन नीचे से ऊपर की दुनिया में ले जाता हूं। अभी संगम युग में कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में मेरा जो धर्म है ही तुमको पति से पावन बनाने का काम। क्या धर्म है? कैसे बनाते हैं पति से पावन? धर्म क्या है? उन देहधारी धर्म गुरुओं का, धर्म पिताओं का देह का धर्म है और मेरा स्वधर्म है। स्वामी है आत्मा का धर्म, तो मैं स्वधर्म से तुमको एकदम ऊपर 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में पहुंचा देता हूं। ये जादूगरी मेरी है। क्या मेरी है? इनकी नहीं, इनकी माने किनकी है? राम और कृष्ण की आत्माओं की ये जादूगरी नहीं है। अभी ये जादूगरी अब बताऊं, जो मकान के लिए तो सब कोई मेरे से पूछे मकान लूं कैसे बनाऊं, ये करूं वो करूं। बाबा करूं या न करूं, ये तो मेरा माथा ही खराब कर देंगे। ये है नहीं मेरा काम,
गंदा दूरी बताने का मेरा पार्ट ही नहीं है कि तुम मकान बनाओ, कल कारखाने बनाओ, बहुमंजिली इमारतें बनाओ, पैसा कमाओ। मेरा वो पार्ट नहीं है और इनको मैंने किनको राम और कृष्ण की आत्माओं को वो पार्ट बहुत है। अच्छा, दुनिया भी धंधा दौरी है, इनके ऊपर इनके ऊपर इतने बच्चे हैं, उनको मत देने वाला है तो इन कामों से। अभी बाबा कहते हैं ये काम तुम लोग करो, ये तो पाई पैसे का काम है, क्या मकान दुकान बनाना, कारखाना बनाना, धंधा दूरी करना, ये तो पाई पैसे का काम है, ये तो बिल्कुल कानून बात है, दुनिया में सब कोई करते हैं मनुष्य। कभी इनसे पूछते हैं, इनसे जिनमें मैं प्रवेश करता हूं तो ये बोल देते हैं ऐसे बनाओ, कोई बोलते हैं नहीं हमको ऐसे अच्छा होगा, तो ये बोल देते हैं अच्छा ऐसे बनाओ। ये फलानी प्रक्रिया अपना भाई, ये बोलता है ऐसे करो, नहीं करते तो अच्छा जाओ वाला, जो जाओ सो करो, बात थोड़ी सीधी बोल देते हैं तुम्हारी मर्जी, दूध के लिए भी देखो उनमें लिखवाए देते हैं ना भाई, कोई गैया पहुंचा सके किफायत से, सस्ती गैया का इतना खर्चा है, इतने खर्चे में होगी, अगर कोई है तो जानो, वो उनकी अपनी मत, तो बोलेगा लिखेगा बाबा कितनी चाहिए, हम जाकर के गैया ले आते हैं, तो गैया लाने के लिए मैं थोड़े ही कोई कहूंगा, मैं माने कौन है, शिव बाप आत्माओं का बाप, लिख दूंगा इतना 2000 की 3000 खर्चा करना है, आप ही ले आएगा, सस्ती ले आए, महंगी ले आए, कुछ भी ले आए, है इतना महंगा तो क्या करूं, क्या हुआ, कोई मनुष्य लेते हैं खरीद करते हैं।
अरे मोटरें भी तो खरीद करते हैं ना, कोई वक्त कोई मोटर में डिफेक्ट निकल आया तो वो डिफेक्ट ऐसा निकल आते हैं तो मोटर खराब भी निकल जाते हैं। तो ये तो चांस है क्या? सस्ती चीज खरीदने में कभी अच्छी भी निकल आती और कभी खराब भी निकल आती, चांस की बात। क्योंकि डिफेक्ट तो कोई भी चीज में निकल सकता है। सो जो चाहे सो करो, क्या? मैं ये मत नहीं देता। ओम शिव बा। और ये तो बोलेगा करूं, बहुत बड़ा एक तो वो बहुत बड़ा। देखो इनको नशा भरी फिर क्या है, ये पैसा कोड़ी का, अरे ये तो सभी कुछ काम का नहीं है। जाओ पैसे कूड़ी को खर्च करो, खर्च करने में कोई हर्जा थोड़े ही। जैसे कि अभी ये बादशाही में है, ये माने कौन? ब्रह्मा वाला। कोई ऐसी बात भी नहीं है, ले आएगा। अच्छा 5,000 की गैया करके फेंकेगा तो भी उनको क्या बोलेगा उस टाइम की बात। अभी तो 5,000 वाली गैया 50,000 में भी नहीं मिलती है उस समय की, तो क्या बोलेगा? अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ड्रामा में ही ऐसे था, बस मैं ड्रामा को पट पकड़ लेता हूं। तो ले आया बेचारा, आया कोई ऐसी दो बड़ी उल्टी सुल्टी गाय ले आया। अच्छा अभी ले आया तो क्या करें, ड्रामा में भी ऐसा था नहीं जो डोरापा दे उनको, डोरापा भी देना नहीं हो सकता है। तो आइंदा के लिए भल कह दें, पर दिल में अंदर कुछ होता है कि ड्रामा के अनुसार देखो ये लंगड़ी कुकड़ी गाय भी आ गई, बुढ़ी भी आ गई, अभी आ गई ना, आ गई फिनिश ड्रामा। इतना ड्रामा के ऊपर फुल स्टॉप देना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट, नहीं तो संशय। तो निश्चय में तो एक दम खड़ा रहना चाहिए,
ये ड्रामा की भी बहुत बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नहीं तो मुख से कभी निकल जाता है, ये नहीं होता तो अच्छा था। अरे हो गया ना, तो ड्रामा अनुसार हुआ। ड्रामा में फिक्स था या ड्रामा के अलावा हो गया? बस ये नहीं होता तो अच्छा था, ये भूल हमसे निकल गई, तो वो अंदर से पछताना पड़ता है, मैंने ये क्या कह दिया। ड्रामा के ऊपर खड़ा हूं फिर कहता हूं ये ऐसा नहीं करना था, ऐसा होता, ये होता, ये भी नहीं कह सकते। जो बात पास्ट में हो गई बस फिनिश, भूल हुई तो हो गई, ठीक है ड्रामा के अंदर। हाँ जरा आइंदा खबरदारी से कदम उठाना है। क्या बीती बातों पर ध्यान देते रहेंगे तो ये भी टाइम वेस्ट हुआ। बीती बातों को फुल स्टॉप लगाओ, नहीं तो ये भी एक समस्या हो जाती है। तो फिर भी कोई ऐसी बात हो गई तो ड्रामा, ये बड़ी बच्ची अंदर में बुद्धि चलती है, ये मिशनरी एवं नई चीज है ना, बिल्कुल ही एकदम। तो ड्रामा कहने से फिर इतना फिकरात नहीं रहेगी, भले माया के तूफान तो आते रहेंगे, भले बीमार हो गया तो माया के तूफान भी जरूर आएंगे। ये बिल्कुल ही एक ला है, जब तक पिछाड़ी में जीत नहीं हुई है, मौत नहीं आया हुआ है, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो तूफान तो सबके पास आएंगे। ये बाप बैठकर समझाते हैं, बच्चे मेरे को तो ये तूफान नहीं आएंगे ना। किसने बोला ऊंचे ऊंचे एक ही भगवंत शिव बाप ने बोला, तुम्हारे दादा को तूफान आएंगे, तुमको तूफान आएंगे, मेरे को तो तूफान नहीं आएंगे ना। शिव बाबा को तो तूफान नहीं आएगा है? गा क्यों लगाया?
बाबा को तो तूफान नहीं आएगा। गा क्यों लगाए? माना भविष्य में परमानेंट शिव बाबा की स्मृति में शिव ज्योति बिंदु रहेगा, निराकार, साकार में निराकार परमानेंट रहेगा। इसलिए बोला कि उस समय भविष्य में तो इनको तूफान नहीं आएगा ना। तो जो प्रैक्टिस करते हैं उनको बाप फिर कहते हैं तूफान आएंगे। जब तक तुम याद का अभ्यास करते हो, क्या आत्मिक स्मृति का या आत्मा के बाप को याद करने का जब तक अभ्यास करते हो तब तक तूफान आएंगे। फिर आत्मा रूपी रॉकेट जब अभ्यास की स्टेज से संपन्न स्टेज में पहुंचेगा, स्पेस में पहुंच जाएगा, तब फिर कोई तूफान नहीं आएंगे। इस दुनिया का कोई आकर्षण नहीं खींचेगा। तो देखो कैसे कहते हैं, शिव बाप अपने को अलग कर देते हैं, तो ये दोनों फिर कहते हैं हमको तूफान आते हैं। बाबा ठीक कहते हैं और फिर बाबा भी कहते हैं कि पुरुषार्थ के अंत तक तुम्हारा ये तूफान चलेगा।